सो भाभी आ चुकी है लट चलाते हुए। आप देख सकते हो सारे लोगों ने जगह छोड़ दी, भाभी लट चला रही है। ये भाई ये लेके बैठे ढाल और ये देखो ऐसे पड़ते डंडे मारो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ घर में। सुबह सुबह मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी, खाना दे रहे थे घर वाले, मैं हो गया था लेट उठने में, तो मैंने बोला मुझे खाना नहीं है। है ना लक्की? क्या हो गया? ऐसा है नहीं भी तेरा काकू बात बात आर। अरे है बहुत सारे लोग है। मीटर चालू आर तोरा? मीटर चली वो आउ। मोबाइल की बैटरी खत्म है वो आउ। चलो हमने सारा सामान पैक कर लिया था, मैं उठ गया था टाइम से। मैंने एक बैग साइड में रखा है दूसरे वाले रूम में, सारा सामान पैक। मैंने नोटिस किया यार गर्मियों में ना कपड़े कम हो जाते हैं, सर्दियों में कपड़े ज्यादा लगते हैं, तो मतलब जहां मैं दो दो बैग कैरी कर रहा था वहां एक ही बैग के अंदर सारा सामान आ चुका है, दूसरे बैग की तो अब जरूरत भी नहीं है। तो फटाफट निकलते हैं, वहां पे ना बहुत तगड़ी होली स्टार्ट हो चुकी होगी, तो लेट नहीं करते बिल्कुल भी। थोड़ा सा लेट वैसे भी हो गया उठने में, क्योंकि दो दिन से ढंग से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन टिकट लेने के चक्कर में, दूसरे दिन जल्दी उठना था ट्रेन में चढ़ना था इसलिए, और तीसरा दिन कल रात ट्रेन में थे तो इसलिए। तो आज जो है ढंग से नींद पूरी हो चुकी है, तो अब हम ढंग से आप लोगों के लिए शूट करने वाले वीडियो बढ़िया वाला। चलो चलते हैं सीधा रास्ते पे। बाय बड़े माँ। आने की जरूरत नहीं, दो दिन बाद वापस आ जाऊंगा, टेंशन मत, दो दिन बाद वापस आ जाऊंगा, वृंदावन तक जा रहा हूँ बस। चलो सुखी रहो। हाँ चलो बाय बाय, टेंशन नहीं लेना है, आ रहा हूँ। बस छोटा सा बैग है एक। चलो सो ये रहा अपना बैग, बिल्कुल हल्का सा है, ज्यादा सामान नहीं है वैसे इसमें। ये देखो छोटा बैग है, एक ही बैग लेके जा रहा बस। सो सारा सामान बाइक पे आ चुका है, टेंट भी रख लिया है मैंने, बैग भी रख लिया है। अब चलते हैं सीधा वृंदावन से आगे, बरसाना जाना है मुझे, और मुझे पता है मैं जल्दी नहीं वापस लौट के आऊंगा, क्योंकि वहाँ पे 10-12 दिन की तो पूरी लगातार होली है ही है। तो घर वालों को तो मैंने, मतलब दादी को तो मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि उनका दिल खराब नहीं करना चाहता था। मैं कल ही आया और आज चला गया ना, तो उनको ऐसा लगेगा कि यार एक दिन भी नहीं रुका हमारे पास, इसलिए तो मैं उनको बोल के चला गया मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर मैं कोशिश करूंगा एक आधा दिन ना, मैं मतलब शाम को वहाँ से आ जाऊं और फिर घर वालों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके फिर अगले दिन जल्दी मॉर्निंग उठ के चले भी जाऊँ। चलो चलते हैं। जब भी हम घर से निकलते ना यार दिल हल्का हल्का सा हो जाता है, मन नहीं करता घर में आने के बाद घर से निकलने का, पर क्या करें, ट्रैवलर्स है ना हम, ज़्यादा दिन घर रह ही नहीं पाते। कल ही तो आया था मैं सुबह सुबह और आज सुबह सुबह निकल भी गया। ओहो धन्नो का मजा लगे यार, आज तो इसमें कुछ भी वेट नहीं है, वेट होने बाद भी ऐसे मक्खन की तरह दौड़ती है, इसका जवाब नहीं है भाई। गाड़ी को बहुत मेंटेन करके रखा है हमने। तो पेट्रोल फुल करवा ले रहे हैं, मेरे ख्याल से 300-350 एक का ही आएगा बस, क्योंकि कल अपन ने 200 कुछ का भरवाया था, तो 500-600 की टंकी है, इससे ज़्यादा है नहीं, कुछ भरा भी हुआ था वैसे ऑलरेडी। सो भाई ने ना हमारे लिए आसानी कर दी है, मतलब मुझे लग रहा था एक घंटा बचा अभी होली खेलने में, पर भाई ने बताया 4 बजे खेलेंगे, तो मतलब 3 घंटे पड़े हैं, तो हम आराम से अपनी जगह ढूंढ लेंगे जहाँ पे होली खेल रहे होंगे और आराम से रिकॉर्ड भी कर लेंगे आप सब लोगों के लिए, तो मज़ा आने वाला है काफ़ी, है ना भाई? टाइम बचा है ना, तो भाई भी आने वाले हैं वहाँ पे, भाई ने बताया है ना, भाई आ रहे हो ना, तो मिल लेना मुझसे, मुझे मत कर देना। चलो oh.
भाई बरसाना जा रहे हो? बरसाना होली खेलने? तो भाई दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरसाना, मतलब बरसाना गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ चारों तरफ हरियाली हरियाली की वजह से ना हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मतलब ऊपर धूप भी है लेकिन नीचे ठंडी हवा है, काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। और दुनिया जहान के लोग आ रखे हैं यहाँ पे, काफी भीड़ भाड़ है, मतलब अभी आपको तो थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं लेकिन एक कंटिन्यूसली लोग जा रहे हैं बरसाना की तरफ, आप देख सकते हो लगातार। और इस वक्त बरसाना के अंदर खतरनाक भीड़ होगी क्योंकि वहां पे रंगीले गली में एक रैली से निकल रही होगी और पूरी उसमें होली खेली जा रही है, बहुत तगड़ी। तो वहीं जा रहे हैं अभी हम। तो आप देख सकते हो कितना टूरिस्ट आया हुआ है यहाँ पर इस वक्त और बहुत भीड़ होने वाली है, खतरनाक। ये तो आउटर की पार्किंग है, इसके अंदर अलग पार्किंग हो रही है, यहाँ पूरा जाम ही जाम रहने वाला है, बाइकर्स को फायदा है, सीधा जा सकते हैं अंदर। सो मैं इस वक्त पहुंचूंगा बरसाना के बिल्कुल सेंटर में, मतलब यहाँ से 400 मीटर दूरी है मंदिर। और मेरे जो कपड़े थे ना, मैंने बैग वैग भैया के दुकान पे रखवा दिया, भैया से बात भी हो गई, भैया ने बोला मैं रख लूंगा टेंशन, मतलब आप आराम से जाओ। अंदर जाएंगे हम अभी और वहाँ पे ना थोड़ा मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी, तो भैया बता रहे जल्दी जल्दी चले जाओ और कोई जगह ढूंढ लो, मतलब घर के ऊपर की जहाँ से आप खड़ोगे पूरी होली देख सको, तो फटाफट कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, चलते हैं सीधा। थैंक यू सो मच भैया। सो यहाँ पे ना पूरी गली में रास्ते में सब लोग होली खेलते हुए जा रहे हैं, मतलब कई जगह पे ऐसे ड्रम लगे हुए आप देख सकते हो, ये रहे ड्रम लगे और लोग ऐसे नाचते गाते होली खेलते हुए जा रहे हैं। मेरे को भी किसी ने कलर लगा दिया चलते चलते, पता ही नहीं चला। अब चलते हैं, हम भी पास में एक जगह है जहाँ पर असली पूरी अभी होली स्टार्ट होने वाली है, लट मार तो सीधा वहाँ चलते हैं। आगे उड़ाना मेरे मुंह पे नहीं, ओए 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 ये ब्रेक ना जाम है। अरे ब्रेक ना है, अरे भाई ब्रेक ना है, ब्रेक ना है, ब्रेक ना है, ब्रेक ना है। खतरनाक हाल है भाई, हल्की हल्की लगा रखी होगी, पूरा गाड़ी उड़ा दी हवा में एक सेकंड में। हाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, कोई ना कोई गुम होते जा रहा है, मैं तो अकेला आया हूँ कहाँ घुमाऊंगा। सब राधे राधे बोल के पूरा कलर डाल दे रहे हैं फेस के ऊपर, सारे तरफ अलग ही क्रेज है, मैंने नहीं सोचा था इतने सारे लोग यहाँ पे होली खेलने आते होंगे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी राधे रानी, तो एक चीज और दिखा दूं आपको, यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, बेसिकली जैमर लगा होगा क्योंकि जब मैं आया था उस टाइम पीरियड में इससे थोड़ा सा पहले सिग्नल पूरे आ रहे थे, यहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों जैमर लगाया है। वैसे नीट तो है नहीं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सेफ है, सब आराम से होली खेल रहे हैं, लेकिन बहुत जनसंख्या में लोग आ रखे हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ रखे हैं और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, पूरी गलियां भरी हुई है। अभी हम एग्जैक्ट मंदिर के पास नहीं पहुंचे हैं, मंदिर से काफी पीछे हैं, पर पूरी गली भरी हुई है। मैं आपको ये बता दूं, ये सारी भीड़ लटमार होली के लिए आ रखी है और लटमार होली ना अभी स्टार्ट होने में कम से कम एक घंटा है, जो कि इसी गली में होने वाली है, तो उसमें मजा काफी आएगा। और अभी सारे लोग ऐसे ही गुजर रहे हैं, थोड़ी बहुत देर में वहां से गेट्स खुल जाएंगे और लोग स्टार्ट हो जाएंगे आना, वहां से भाभी आएंगी अपने देवरों पे डंडे मारेंगी, है ना भैया? यस। आपने भी खाने? बिल्कुल यही होगा यहाँ पर। आपने भी तो खाने डंडे? हाँ जी, खाएंगे ही, चलता रहेगा। पहले इन्होंने भाभी को रंगों से रंगना है, उसके बाद है ना, भाभियाँ तो रंगती रहती है, ये ब्रज है, ब्रज की गलियाँ रंगीली है, ये ओहो ब्रज की होली, जय हो बरसाने वाले की जय। अरे होली है भाई, इतना तो बनता है।
सो भाभी आ चुके लट चलाते हुए, आप देख सकते हो सारे लोगों ने जगह छोड़ दी, भाभी लट चला रही है। ये This is unique, guys. देख रहे आप? अरे वाह, अरे लट मार अभी यही होने, और जो जो रोड पे चल रहा होगा उन सब में लट पड़ेंगे कसम से। अरे भैया जी ने मुझे भी उतरवा दिया, मैं अच्छा खासा ऊपर खड़ा था, और वैसे मेरा भाई आया उत्तराखंड से घूमने को, मैंने बताया वृंदावन में होली बनती है एक नंबर कसम से, और ये लटकाने आ गया था। तो मैं भी लाया लटकाने, दोनों भाई लटकाएंगे। सो भाई आगे तो कुछ भी नहीं, मैं उन भाइयों के साथ आगे तो चला गया था, आगे से लट चला के अभी लेडीज यही आने वाली है, तो यही खड़ो के फायदा है बेसिकली। अभी तक कोई आया नहीं, बस एक दो लेडीज आई थी, अभी तो मेन लेडीज का घुट पूरा आना है, भर के लोग एक साथ आएंगे लट चलाते हुए। पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, पुलिस वालों को भी रंग दे रहे हैं दबा के, है कि नहीं भाई? बोलो बंसी वाले की जय। तो भाई यहाँ पे बैठे हैं पंडा जी और उनकी भाभियां जो अभी होली खेलने वाला, नीचे उतर के सब, बस थोड़े से देर गेट्स खुलेंगे सामने और फिर अलग अलग जगह से सारे एक साथ होली खेलना स्टार्ट हो जाएंगे। भैया बात कुछ ऐसी है कि पूरे गले के अंदर रंग घुस गया है, पानी तो अंदर जाते जाते और अटक जा रहा है कसम से, रंग समेत जा रहा है अंदर पानी। अब प्रॉब्लम ये जो सुबह निकलेगा उसका पता नहीं है, वो भी रंगीला निकलेगा कि नहीं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये बहुत जरूरी है भाई, अगर आप लोग कभी यहाँ आओ तो पानी लेके जाना भाई, मैं बहुत पीछे लौट गया हूँ पानी लेने के लिए। भाई पट खुल गए और पंडा भी आ चुके हैं, मतलब जो नंदगांव से पंडे आने थे ना वो आ चुके हैं बाला लगा के, जो बेसिकली डंडा खाने वाले हैं यहाँ पे अब भाभियों से, है ना भाई? भाई ओहो आने वाला मजा, ठीक है भाई साहब, वीडियो राधे 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 राधे। सुनिए प्रेमा लेते होले तेरे उड़ते बाल आजा रख तू दोनों का, डंडे से मार रहे हैं भाई, ये लेके बैठे ढाल और ये देखो ऐसे पड़ते डंडे मारो। बहरन टोके मार रहे जोर जोर से कसम से, फट जाएगी चांद अगर हम भाला ना ऊपर सर पे रखा हुआ तो, वो ना हो तो बस गए, है कि नहीं भाई? भाभियों का आतंक बहुत ज्यादा है यहाँ पे कसम से, मारो भाभी मारो। पता डर क्या लग रहा है, डंडा कहीं पीछे ना आ जाए, जोर से लग जाए कसम से, है कि नहीं? आप भी मारने जा रहे हो डंडा? ये मेरे लाइफ की सबसे यूनिक स्टाइल की होली है कसम से, सबसे बढ़िया लग रही है लेकिन।
फर्स्ट टाइम है जब मैं लटमार होली देखने आया हुआ हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था क्यों खेलते हैं भाई, क्यों खेलते हैं बताना जरा भाई। इसलिए खेलते हैं कि एक बार किशन जी यहाँ पे आए थे होली खेलने के लिए। अच्छा, अब राधा जी ने उन पर लट बरसाना आए थे होली खेलने के लिए, तो राधा जी यहाँ पे थी और उन्होंने लट चलाए थे श्री किशन जी पे जी। तो तब से लटमार होली स्टार्ट हुई जी। और अब क्या बेसिकली दो गाँव आपस में लटमार होली खेलते हैं, बरसाना और नंदगांव। तो आज नंदगांव से सारे लड़के आए हुए हैं यहाँ पे जी, और अब यहाँ से कल लड़के जाएंगे नंदगांव। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कल वहाँ लट चलेंगे चल रहे हैं। ऐसी कुछ होली होती है भाई डिफरेंस ही, जो कहीं और नहीं खेली जाती, बरसाना और नंदगांव में। तो ये सारे नंदगांव के लड़के हैं और ये सारी भाभी हैं बरसाना की। अरे बाप रे, गुस्सा आ गया। अरे बाप रे, तो एक चीज नोटिस करो, छत्तीसगढ़ से भी लोग आ रखे, छत्तीसगढ़ इतने दूर से। हाँ जी, स्पेशल देखने आए हो। यस, बरसाने की होली। अरे वाह, इतनी फेमस है। हाँ, इतनी फेमस है, बहुत सुना है इसके बारे में। भाई मैंने तो पहली बार सुना था और मैं पहली बार में आ गया। और मैं बस्तर से आया हूँ, बस्तर। बाप रे, चलो मैं तो कहीं पहुंच जाता हूँ, आपसे भी दूर नॉर्थ ईस्ट भी पहुंच जाता हूँ। इंडिया का छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बस्तर से। अच्छा ठीक, बरसाने की लटमार होली देखने के लिए बहुत फेमस है, कभी मौका मिले तो आप भी आना। अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा है, कमाल करेगा, जोर से मारो। छोटा बच्चा है ना, तो प्यार से मार रहा है, ज्यादा जोर से नहीं मार रहा है ना। चश्मा यूनिक है कसम से, भाई भी यूनिक है। अरे 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 अरे, चंडी माता आई। इस वक्त थोड़ा बाहर आया हूँ मैं, क्योंकि अंदर होली थोड़ी बहुत खत्म हो चुकी है, मतलब सिमिलर ही चल रही है लटमार ही। यहाँ पे कॉमनली मतलब यहाँ पे ना बच्चे को जा रहे हैं या कुछ भी, तो उसके लिए अनाउंसमेंट हो रही है और पुलिस हर जगह पे सेफ्टी के लिए खड़ी हुई है, तो कोई दिक्कत ना हो वैसे। लेकिन कोई दिक्कत हो नहीं रही है, जैमर भी लगा हुआ है और कोई दिक्कत नहीं आ रही है ऐसी एज सच। धन्नों के साथ भी होली खेल ली गई है, बेसिकली कोई स्पेशल खेलने नहीं आया होगा, रोड से गुजरते हुए होली के अलर्ट उड़ रहे हैं तो वो यहाँ तक आई गए होंगे। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, मतलब पूरे इंडिया से बहुत सारे दोस्त भाई छोटे छोटे सब आ रखे हैं। तो ये भाई भी मुंबई से आ रखे हैं, ये भाई कहाँ से आ रखे हैं, उत्तराखंड से, कुछ अपने भाई दूसरे उत्तराखंड से आ रखे हैं। सबको मैं जानता नहीं हूँ, पर अपन रैंडमली मिल गए हैं, क्योंकि सब इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या तो यूट्यूब के थ्रू, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन, राइट? ओ चलते हैं सीधा गोवर्धन, आपको एक नया टाइप का रिक्शा दिखाता हूँ जिसमें बाकी सब बैठे हुए हैं, टोटल 10 लोग हैं, है ना भाई। इतनी कुछ जुगाड़ पे बैठे हुए हैं सब लोग, इसके अंदर देखो पूरी फुल्ली यूपी की जुगाड़ है, ये पीछे ठेला जुड़ा हुआ है, आगे बाइक जुड़ी हुई है और इससे बैठे हुए 10 करीब लोग। भाई खतरनाक है, क्या हाल है दोस्तों? राधे राधे। देखना भाई जुगाड़, क्या खतरनाक जुगाड़ है। तो सारे दोस्त आ चुके हैं खाने के लिए और बहुत तेज भूख लगी है भाई। सुबह से कुछ ज्यादा नहीं खाया था, बस भंडारे का थोड़ा बहुत खा लिया था मैंने, उससे थोड़ा बहुत पेट भर गया था, लेकिन ढंग से नहीं खाया था, अब पेट भर के खाएंगे ढंग से। सो भाई यहाँ पर आ चुके हैं हम रूम के अंदर, 5-5 जने बिस्तरों पे सोने वाले हैं, कनेक्टेड बिस्तर है सारा, एक जगह से दूसरी जगह आराम से कूद कूद के जा सकता है। भाई मैं नहा नहीं पाया हूँ अभी तक, ना नहाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, शरीर पूरा टूट रखा है और वीडियो भी एडिट करना है, जिसकी क्लिप्स पता है कितने मिनट की बनी है, 1 घंटा 20 मिनट की, तो सोचो कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 1 घंटा 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाय बाय। सारे भाई सो गए हैं, भाई लैपटॉप पे काम कर रहा है, मैं एक बात करना तो भूल ही गया था, कल एक सरप्राइज बॉम्ब आ रहा है वेस्ट बंगाल से, तो कल वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत तगड़ा बॉम्ब।